अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 जो है उसकी फर्स्ट 4 प्रैक्टिस नाउ के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, और ये जो बाकी जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ। उनका जो लिंक है ना, वो जो वीडियोस हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 है, उसमें हमने करना क्या है जी, एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x² - 4x + 6x² - x, ठीक है। तो इसको सिंपली सबसे पहले एक्सपेंड करना है, अगर एक्सपेंड करना हुआ तो एक्सपेंड करना, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन, 7x² - 4x + 6x² - x। अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेते हैं, 7x² + 6x², फिर एक्स वाली टर्म -4x - x। तो 7 + 6 क्या हो जाता है हमारे पास, 13x² - 4x और -x, यानी कि -5x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं जिसका बी पार्ट, वो है हमारे पास -(-5x²+3x + 6)+(2)(3x²-8x+4), ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये हमारे पास है जी -(-5x²+3x + 6)+(2)(3x²-8x+4), ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, +(5x²+3x)± -6+ जो है ना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 = 6x²+(-2 8 = 16x)+(++2 4 = 8), ठीक है जी। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, 5x² + 6x² फिर एक्स वाली टर्म को +3x - 16x - 6 + 8, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी है, फिर एक्स वाली टर्म्स, फिर कांस्टेंट। तो 5x + 6x हमारे पास क्या हो जाएगा, 11x² और 3 - 16 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा एक्स, और -6 + 8, ठीक है, +(-8) - 6 क्या हो जाएंगे, +2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है जी हमारे पास इसका सी पार्ट, वो है 4x² - 1 - 7x² + 13x - 2, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास है जी 4x² - 1 - 7x² + 13x - 2। तो ये हो जाएगा जी 4x² - 1 - 7x² - +(-13x) - +2, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा 4x² - 7x² फिर एक्स वाली टर्म -13x + 2 और ये वाला -1। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिखते हैं, फिर एक्स वाली टर्म्स, फिर कांस्टेंट। 4x² - 7x² हमारे पास क्या हो जाएगा, +(-7) में से 4 गए 3, साथ में एक्स स्क्वायर बड़े के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साथ में -13x + 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है, +1। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट, जो कि है हमारे पास डी पार्ट, वो है जी हमारे पास के -3x² + 5x - 8
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये हमारे पास। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस एट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। आप क्या करें, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ लिख दें, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट प्लस फाइव। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ वन होता है। प्लस माइनस माइनस यानी कि थ्री में से वन गए तो टू एक्स स्क्वायर, बड़े के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव क्या होता है, हमारे पास वन, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, तो प्लस एक्स आ गया हमारे पास। और एट प्लस फाइव क्या होते हैं, थर्टीन। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थर्टीन। ठीक है जी, अब करते हैं हम इसकी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस नाउ है, ये वाली होगी। अब हम करते हैं जी इसकी प्रैक्टिस नाउ नंबर टू, वो है जी हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, यानी कि ए पार्ट है इसका हमारे पास के थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन, तो थ्री फोर जा क्या होते हैं हमारे पास, ट्वेल्व, साथ में एक्स प्लस थ्री वन जा थ्री। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है जी हमारे पास के सेवन इंटू फाइव एक्स माइनस टू। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी सेवन इंटू फाइव एक्स माइनस टू, तो सेवन फाइव से क्या होता है, थर्टी फाइव, साथ में एक्स प्लस माइनस माइनस सेवन टू जा फोर्टीन। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं जिसका सी पार्ट, वो है हमारे पास फाइव एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइव एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री, तो फाइव टू ज़ा टेन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, साथ में एक्स। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, जस्ट एक स्टेप के लिए। डी के हमारे पास के माइनस टू एक्स इंटू एट एक्स माइनस थ्री। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी माइनस टू एक्स इंटू एट एक्स माइनस थ्री, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस, टू एट ज़ा सिक्सटीन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, टू थ्री ज़ा सिक्स, और साथ में एक्स। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। तो बड़े ये इजी से क्वेश्चन, प्रैक्टिस नाउ नंबर जो टू है बहुत इजी थी, जस्ट सिंपल जो है ना एक स्टेप था कि जो भी ये अंदर बस आपने मल्टीप्लाई करना था। तो अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, आप करते हैं जी इसका नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो है जी प्रैक्टिस नाउ नंबर थ्री है, वो भी हमारे पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। इसका ए पार्ट है हमारे पास फाइव इंटू एक्स माइनस फोर माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारे पास फाइव इंटू एक्स माइनस फोर माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस फोर, तो फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, माइनस थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स, और साथ में एक्स, माइनस प्लस माइनस, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व। ठीक है,
आप क्या कर लेते हैं कि एक्स वाले टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लेते हैं, तो 5x माइनस 6x माइनस 20 माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 6x, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 गए, 1x यानी कि खाली x, और बड़े के साथ क्या साइन है, माइनस, तो माइनस आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन बड़ी टर्म्स के टर्म के साथ क्या है, माइनस है, और 20 प्लस 12 क्या होते हैं हमारे पास, 32। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। अब इसका बी पार्ट करते हैं, वो है हमारे पास 2x इंटू 2x प्लस 3 माइनस x इंटू 2 माइनस 5x, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम, तो ये हमारे पास 2x इंटू 2x प्लस 3 माइनस x इंटू 2 माइनस 5x, ठीक है। टू टू ज़ा 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, टू थ्री ज़ा 6x माइनस एक्स इंटू टू 2x माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू 5x 5x स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x। 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, 6 में से 2 गए, 4x। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया जी हमारे पास प्रैक्टिस नाउ नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। बड़े ही इजी से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट इसमें हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस नाउ नंबर 4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है कि एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, तो ये है जी हमारे पास एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये होता है कि पहले x को आप इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो x इंटू एक्स प्लस 4 फिर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। देखिए पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4 4x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 4 4 टू द 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका बी पार्ट, वो है हमारे पास के 3x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 6, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, हमारे पास है जी क्वेश्चन 3x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 6। पहले 3x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18 साथ में एक्स माइनस, 4 5 ज़ा 20x माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यानी कि 15 एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास है जी माइनस 18x और माइनस 20x, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 20 38, माइनस 38x प्लस 24। सिर्फ हमने क्या करना था, एक्सपेंड करना था, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब है जी इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट, वो है हमारे पास के फाइव प्लस एक्स इंटू टू माइनस 3x। अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारे पास जी 5 प्लस एक्स इंटू टू माइनस 3x, ठीक है। पहले क्या कर दे, 5 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 5 इंटू टू माइनस 3x, फिर प्लस x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ,
ठीक है, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 3 5 5 3 15 एक्स प्लस एक्स इंटू 2 2x प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 3x 3x2। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम के पहले 10 है, फिर क्या हमारे पास 10 को रहने दें, माइनस 15x प्लस 2x क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 2 गए, 13x बड़े के साथ क्या है माइनस का साइन, जैसे माइनस आ गया और माइनस 3x2। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी लिख दें या फिर शुरू में आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दें फिर एक्स लिख दें फिर कॉन्स्टेंट लिख दें। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास डी पार्ट, वो है जी 1 माइनस 7x इंटू 11x माइनस 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, हमारे पास है 1 माइनस 7x इंटू 11x माइनस 4। 1 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 7x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 11x 11x माइनस 4, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें 77x माइनस माइनस प्लस 7 4 28 और साथ में x। आप क्या कर लें आपके ये यहाँ पे देखें, मैंने एक्स स्क्वायर नहीं किया, 7 इंटू 11 77 x इंटू x x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं इसमें मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं माइनस 77 x स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म यानी कि प्लस 11x प्लस 28x माइनस 4। ठीक है, ये लिख लिया हमने, तो माइनस 77 x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 1 प्लस 8 9 और साथ में x और माइनस 4, तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो ये है जी आज की वीडियो जिसे मैंने आपको प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 2 3 एंड 4 करवाई है चैप्टर नंबर 3 की। बड़े इजी से ये क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब कर दें। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।